दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मनु रायपुरिया यूट्यूब जो चैनल है, तो मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और यहाँ आज मैं दिखा रहा हूँ आपको सागर डेयरी। ये जो सागर डेयरी है, यहाँ आपको A2 क्वालिटी का दूध मिलेगा। ये एक टाइप से दूध का जो टाइप रहता है वो है A2 दूध। यहाँ जो A2 क्वालिटी का दूध है, इसको खिलाड़ी लोग यूज करते हैं। जैसे जर्सी नस्ल का रहता है, जर्सी नस्ल में होता क्या है कि वो क्या क्या चीज से जैसे वो क्रॉस करके बनाए रहते हैं, तो उसका जो दूध है उसको उतना शुद्ध नहीं माना जाता है। इसीलिए जो ये A2 है, इसको बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा दूध माना जाता है, एकदम शुद्ध नस्ल का दूध माना जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं, अगर बात करें यहाँ के गाय की, तो यहाँ के गाय JBL का म्यूजिक सुनते हैं। JBL का म्यूजिक सुनते हैं उसके बाद दूध देते हैं। पहले JBL का जो स्पीकर है वहाँ म्यूजिक चालू करते हैं, उसके बाद सब गाय बहुत ही आनंदित होके गाना सुनते रहते हैं, म्यूजिक सुनते रहते हैं, तब जाके दूध देते हैं। दोस्तों, वहाँ अगर अंदर में जो गाय है, गिर गाय, उनको दिखाऊंगा म्यूजिक सुनते हुए। अगर म्यूजिक बंद कर देंगे तो दूध देना बंद कर देते हैं और इधर उधर उन लोग का माइंड भटक जाता है। इसीलिए उनको JBL का जो म्यूजिक है, सोनी का जो म्यूजिक है, वो सुनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये लोकेशन है माना एयरपोर्ट के पास, जो धर्मपुरा गाँव है वो है। यहाँ आप देख सकते हैं सागर डेयरी, देसी गिर गाय का शुद्ध A2 दूध, ग्राम धर्मपुरा, VIP रोड, रायपुर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। पास यहाँ देखिए, यहाँ गाना चल रहा है, आइए मैं दिखाता हूँ, आइए। यहाँ जो है ये दूध देख रहे हैं, यहाँ दूध ही कितना क्वालिटी का, यहाँ भरपूर क्वालिटी का दूध मिल रहा है। यहाँ देखिए दूध, देखिए यहाँ एकदम भरपूर क्वालिटी का गिर गाय का दूध है। A2 दूध है ना, A2 क्वालिटी का दूध है, जो कि A2 क्वालिटी का दूध जो है वो खिलाड़ी लोग पीते हैं, तो ये थोड़ा महंगा रहता है नॉर्मल दूध से। और ये सब आप देख रहे हैं गिर गाय है, तो इसको ये जो स्पीकर दिख रहा है, इसमें दूध दुहते टाइम गाना सुनाया जाता है, उसके बाद दूध देती हैं बहुत ही आनंदित होते हुए। अभी गाना सुना रहे थे ये गिर गाय जो है, इनको गाना सुना रहे थे, कितने अच्छे से गाना सुन रहे थे, अभी आपको सुना के दिखाएंगे। अभी भैया सुना के दिखाएंगे। ये है गिर गाय और चारा खा रहे हैं अभी यहाँ। यहाँ आपको डेली दूध मिल जाएगा। और गाना बजाओ भैया, गाय को गाना सुनाओ भैया। अच्छा, दूध दूध है। अच्छा, यहाँ अभी गाना सुनाते हुए दूध दूध लिए हैं। तो ये जो देख रहे हैं, अभी गाना सुनते टाइम जितने भी जो गाय हैं आनंदित होके गाना सुनते रहते हैं, चारा उरा सब चीजें जो चर रहे हैं उसको चरना छोड़ देते हैं। लेकिन अभी देखिए, गाना बंद जैसे हुआ वैसे चारा चर रहे हैं, इधर उधर काम में बिजी हो गए हैं। आइए भैया थोड़ा सा। ये है हमारे भैया, आपका नाम? दादू भैया हैं, जो कि इस डेयरी फार्म का मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ भैया कितने गाय हैं? 18। अच्छा, ये सब एक ही वैरायटी का है क्या? ये सब एक ही प्रजाति का है, सब गिर गाय है? अच्छा, इसको भैया जैसे आप लाए तो इसको कहाँ से लाए? अच्छा, याद नहीं आ रहा है भैया को, अभी कहाँ से लाए हैं वो याद नहीं आ रहा। गुजरात जी, गिर गाय जो है इनको गुजरात से लाया गया है। और यहाँ कितना गाय बोले भैया? बोलिए 18 गाय है यहाँ, और उसके छोटे छोटे बछड़े भी हैं, वो लोग बड़ा हो रहे हैं, तो उन लोग भी बाद में दूध देने लगेंगे। तो एक दिन में कितना दूध निकलता है भैया? यहाँ 18 जो गाय है तो दोनों टाइम मिला के 70-80 लीटर निकल जाता है, दोनों टाइम मिला के।
और दूध बहुत ही एकदम प्योर रहता है। डायरेक्ट मतलब दूध दूहते हैं, उसके बाद देते हैं, कोई मिलावट नहीं। और दूध भी बहुत इसमें क्रीम रहता है, थोड़ा मस्त दूध रहता है, अच्छा दूध रहता है। तो ये है धर्मपुरा, रायपुर के धर्मपुरा माना एयरपोर्ट के पास। तो आपको अगर आप रायपुर में रहते हैं तो अगर आपको एक आध दिन टेस्ट करना है गिर गाय का दूध तो आइए यहाँ दूध लेने। तो भैया थोड़ा चारा के बारे में बताओ ना, चारा में क्या क्या देते हैं? हरा घास। हरा घास देते हैं। अच्छा, ये घास मन लगाए हैं ये इसको, और ये तो नहीं पूरता होगा, तो और क्या का चारा देते हैं? पेरा कुट्टी। हाँ, पेरा कुट्टी और दाना। अच्छा, वो बाहर से लाते हो जहाँ चारा वगैरह से बनता है वहाँ से? हाँ, यहाँ देख सकते हैं इधर चारा वाला घास लगा हुआ है। और ये बछरू मन है, ये बछरू मन है, ये अभी बड़ा होगा तो ये गाय है, बछरू है, ये भी दूध देने लगेगा। ये देखो कितना इन लोग सब जान रहे हैं, इन लोग इनको प्यार चाहिए, लेकिन कुछ कसाई लोग इसको काट के खा जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा गार्डन भी चारा है। चारा जो है इसको खिलाने के लिए इधर चारा उगाया गया है। ये देखिए ये क्या, कौन सा घास है? घास क्या है? अन्नपूर्णा। ये देखिए अन्नपूर्णा घास है, ये चारे का काम आता है। आप पास से देख सकते हैं, ये अन्नपूर्णा घास है, ये देख सकते हैं, ये है चारा, हरा चारा खिलाते हैं। ये बहुवर्षी चारा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा पूरा। तो आइए दोस्तों, अभी मैं और दिखाता हूँ यहाँ जो है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप बहुत, यहाँ गुलाब फूल लगा है जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ थोड़ा यहाँ ये जो फार्म वाले हैं तो यहाँ फूल फूल और पौधे का भी ये शौकीन है, बहुत फूल जो फूल पेड़ पौधे का शौकीन है। तो यहाँ ऐसे रहता है, डिस्टर्ब करना।